ये ज़मीन जो है फार्म हाउस, ये देश के सबसे बड़े नामों में से एक ओबराय होटल वाले लोग उनके पास है, और इस ज़मीन में 5-6 एकड़ ज़मीन ग्राम सभा की, जिस पर जो है जंगल, पेड़ पौधे, पर्यावरण वाली चीज़ें होनी चाहिए, वो ज़मीन जो है कब्जे में ले रखी है। और ये पूरा मामला जो है बिजवासन का, ये 1200 बीघे ग्राम सभा का है, लगभग 9000 करोड़ की ज़मीन का पूरा मामला है, 9000 करोड़। और जो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो गांव की ज़मीन पर बनवा दिया, पानी का उपयोग खुद अपने बगीचों में पानी डालने के लिए कर रहे हैं। जनरल जी, अब आप क्या कदम उठा रहे हैं ज़मीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने? मैंने आते इसकी नपाई शुरू करवा दी है, और मैंने जो है यहाँ का जो राजस्व विभाग है उनको कहा है कि इसका रिकॉर्ड 1954 से निकाला जाए। ये जो ट्रस्ट है, इसमें खेती होती है या किस तरह उपयोग होती है, वो सारा इसकी जांच हो, और किसी भी तरीके से ग्राम सभा ऐसी ज़मीन, कॉमन ज़मीन, जिस पर कि पर्यावरण के हित के जो है प्रोजेक्ट होने हैं, जो जनता के लिए है, जो विकास के लिए चाहिए। जनरल साहब, इस मामले में आपने जो है मुख्यमंत्री से भी शिकायत करी, तो क्या उम्मीद आप जता रहे हैं कि क्या कर सकते हैं आपकी सरकार है? हमने सबको बताया है, डिविजनल कमिश्नर से लेकर जो राजस्व विभाग की जितना भी पूरा डिपार्टमेंट है उससे लेकर और मुख्यमंत्री तक ये पूरी बात गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनके नीचे पूरी ज़मीन का मामला आता है, उनको सूचित किया है, और आगे आगे जैसे तहकीकात होगी फिर देखेंगे इसके बारे में।